किया गया है और समय रहते हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हम ज्ञापन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि इस डीओडी योजना को तुरंत प्रभाव से वापस ले। पूर्ववर्ती रूप से जिस तरह से सेना की भर्तियां हुआ करती थी उसी रूप में सेना की भर्ती हो, ये संविदा के रूप में भर्तियां करके इस देश के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ करने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है ये कतई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस लड़ाई को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से लेकर संसद तक जब तक युवाओं के हक और हकूक की लड़ाई में जीत हासिल नहीं कर लेते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। निर्देशानुसार सीकर जिले में पार्टी परिवार के सदस्य और युवाओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति के द्वारा जो सेना के अंदर संविदा के ऊपर जो भर्तियां करवाने का प्रारूप तैयार किया गया है इसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो पुरानी पेंडिंग भर्तियां हैं जिनके अभी एग्जाम नहीं हुए उनको एग्जाम करवाया जाए और जो युवा पिछले दो साल में एजोर हो गए उनको दो साल की छूट देते हुए जल्दी से जल्दी नई भर्तियां शुरू की जाए। धन्यवाद। दिलसुख चौधरी, प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर रालोपा। नरेश भास्कर है, मैं पिछले 3-4 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ और साथ में बच्चों को तैयारी भी करवा रहा हूँ क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखा है कि युवा कैसे आते हैं और किस लिए तैयारी करते हैं क्योंकि सारे किसान के बेटे हैं और मोदी सरकार द्वारा जो टीओडी टूर ऑफ ड्यूटी की 4 साल नौकरी करो और धक्के मार के हम निकाल देंगे। क्यों भाई, हम किसान के बेटे हैं, हम परमानेंट नौकरी नहीं कर सकते क्या सांसद फिर 2 साल के लिए आप लगाओ और उनको पेंशन कुछ दो धक्के मार के निकाल दो, ये थोड़े ही होगा। इसमें कई खामियां हैं, उनका बहुत आगे का प्लान है। वो चाहते हैं कि युवा 4 साल में थोड़े से ट्रेंड होके आ जाएं, फिर कहीं की नहीं रहे तो हमारे जो आका हैं अंबानी अडानी उनके चौकीदारी की नौकरी करें। तो मैं प्रधानमंत्री जी से चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी इस योजना पर दोबारा गहन अध्ययन करें और इसको वापस लेने की कृपा करें और जो पहले से भर्तियां चलती आ रही थी क्योंकि फौज ही एक ऐसी चीज है जिस पे हमारा पूरा देश टिका हुआ है। जय हिंद, जय भारत।